मुल्तान में निकासी आग का मसला होगा हल, गलियों की भी होगी तामीर मरम्मत। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने सीडीपी फेज टू बचत की मद में स्कीमें तलब कर ली, 10 करोड़ की 249 स्कीमें जारी। कमिश्नर मुल्तान का कहना है कम्युनिटी डेवलपमेंट फेज टू में 17 करोड़ 60 लाख रुपए की बचत हुई। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को मिलेगी साफ पानी की सहूलत, डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब तरीन इन एक्शन। म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अफसरान को शहर भर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स चलाने के अहकाम जारी कर दिए। शहरियों का कहना है कि हर शहर में 8 में से 3 वाटर प्लांट्स फाल हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से लाइव स्टॉक सेक्टर भी मुस्तफीद होगा। बहावलपुर में सेक्टर लाइव स्टॉक ने सीपैक के लिए 6 नई स्कीम्स प्रपोज कर दी। सेक्टी लाइफ स्टॉक का कहना है गोश्त और दूध की पैदावार के लिए चोलिस्तान में बिजनेस हब की स्कीम भेजी गई है। मुल्तान सिविल सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट साउथ पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी की जेर सदारत इजलास। महकमा बहबूद आबादी और महकमा सेहत को जिम करने की तजावीज सामने आ गई। लैया में सेहत घरों का क्याम जेर बहस आया, 48 नए सेहत घर बनाने का तखमीना, 288 मिलियन रुपए भी लगाया गया। सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने दोनों महकमों को मुशावरत से रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत कर दी। 3 रुकनी कमेटी बनाने के भी अहकाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कल मुतवक्के दौरा मियांवाली, नमल कॉलेज का विजिट करेंगे। बोर्ड मेंबरान के इजलास की सदारत के बाद डोनर से खिताब भी करेंगे।